greetings everyone welcome to your english class here in this video beta today we are going to begin our new chapter mother's day okay and this chapter is taken from snapshot book okay beta so today we are going to begin mother's day sapse beta mother's day चैप्टर हम उसमें इंट्रोडक्शन हम उसकी लेंगे मदर्स डे चैप्टर इज रिटन बाय जे बी जेबी जे बी प्रिस्ले हु इज इन एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एज वेल एज अ प्ले राइट ये जो मदर्स डे है बेटा चैप्टर ये एक प्ले है ओके इन दिस प्ले जे बी हु इज अ ब्रिटिश राइटर हु इज़ अ नॉवलिस्ट ड्रामाटिस्ट क्रिटिक एंड एसिस्ट यू कैन से ही हैज़ रिटन ओवर थर्टी प्लेज एंड हीज प्लेज हैव अ वाइड रेंज हिस डायलॉग इज ब्रिस्क एंड शार्प एंड हेयर इन दिस प्ले बेटा जेबी प्रिस्ले डिफाइन्स द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ अ मदर इन हर फैमिली अपनी मदर का एक रोल क्या होता है हम सभी अच्छे से जानते हैं तो वही मदरस डे का मेन रोल एक सिग्निफिकेंट रोल उन्होंने यहाँ इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है she spends most of her time at home doing various domestic chores. Okay, काफ़ी सारे काम करते हुए वो अपना time spend करती है So here in this प्ले बेटा विच इज रिटन बाई जेबी प्रिविस्टले रिवील्स हाउ अ मदर्स एफर्ट्स आर इग्नोर्ड बाय हर फैमिली कि किस तरह से एक मदर के जो एफर्ट होते हैं जो वो डेली रूटीन में हमारे लिए जितना भी कुछ करती हैं वो इग्नोर किया जाता है इस चैप्टर में हमें एक्सप्लेन किया गया है इट नरेट्स हाउ द फैमिली मेंबर्स हु वर्क एट आर शिफ्ट अ डे लुक अपॉन हर ओल दो शी वर्क फॉर द होल डे एंड ओल वीक और इस बताया गया है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो एट आर्स दिन, दिन में एक शिफ्ट में काम करते हैं बट वो इग्नोर करते हैं अपनी उस मदर को ओल दो शी वर्क फॉर द होल डे एंड ओल वीक मतलब बहुत ज़्यादा काम करती है और उसके बाद भी उसको अपनी फैमिली में अपने घर में इग्नोर किया जाता है आफ्टर ऑल शी डज़ फॉर देम दे टेक हर फॉर ग्रांटेड और वो उनके लिए बहुत कुछ करती है फिर भी उसके मदर को वो क्या लेते हैं अपनी मदर को ग्रांटिड ले लेते हैं फोर ग्रांटेड ले लेते हैं मीन्स उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते दे मेक हर फील ओब्लाइज टू प्रोवाइड फॉर देम एंड डू नॉट इवन एप्रिशिएट हर एफर्ट्स और इस प्ले में जे बी प्रिस्ले ने हमें एक्सप्लेन किया है कि उनकी जो मदर है वो बहुत कुछ करती हैं बट इवन उनके एफर्ट्स को अप्रीशिएट नहीं किया जाता इट रिवोल्व्स अराउंड हाउ

ओके, okay, उनको वापस जगह तो दिलवाती है बट उनकी रिस्पेक्ट भी उनको वापस दिलवाती है एंड शी डिजर्व एज द वूमेन ऑफ द हाउस और वही जगह उनको वापस दिलवाती है जो जगह उनकी घर में होनी चाहिए लेट्स बिगिन द चैप्टर नाउ हियर द फॉलोइंग प्ले इज़ ह्यूमरस पोर्टेयल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन अ फैमिली ये जो फॉलोइंग प्ले है मदरस डे एक ह्यूमरस पोर्टेल है ह्यूमरस मीन्स जिसमें हमें बहुत ज्यादा हंसी भी आती है एक ऐसा पोर्टेयल है ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन अ फैमिली जिसमें एक फैमिली में एक मदर के स्टेटस का हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमें ये बताया गया है लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिसिज पियर्सन्स फैमिली रिएक्ट्स वेन शी ट्राइज टू स्टैंड अपॉर हर ओन राइट और लेट्स रीड द चैप्टर किस तरह से जो मिसिज पियर्सन है उनकी फैमिली रिएक्ट करती है जब वो अपने लिए खुद क्या करती है स्टैंड लेती है लेडी है हु इज बींग इग्नोर्ड बाई हर फैमिली मेंबर्स जो अपनी फैमिली मेंबर्स के थ्रू क्या होती है इग्नोर्ड होती है जॉर्ज पियर्सन हर हस्बैंड डोरिस पियर्सन सिरिल पियर्सन यहाँ पर ये बेटा डोरिस पियर्सन क्या है उनकी डॉटर का नेम है सिरिल पियर्सन उनके कौन है सन का नेम है एंड मिसेस फिट्स गेराल्ड फिट्स गेराल्ड आपको मैंने अभी बताया जब हमने इंट्रोडक्शन किया चैप्टर का फिट्स गेराल्ड कौन है उनकी नेबर है नाउ हेयर इज द एक्शन डिस्क्राइब कि किस तरह से वो एक्शन लिया गया है और कौन कौन उस एक्शन में इंक्लूड है तो वो हमें एक्सप्लेन किया गया है दिस द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन अ लंडन सब्ब ओके okay. ये जो लंडन का एक सबब है मींस जो यहाँ पर बताया गया है जो एक एरिया है आउटसाइड द सिटी ये जो एक्शन है वो कहाँ होता है मिसेस पियर्सन के हाउस में लिविंग रूम में टाइम क्या चल रहा है टाइम चल रहा है प्रेजेंट टाइम नाउ हियर द सीन इज डिस्क्राइब्ड कि सीन बताया गया है हमें कि किस तरह का सीन और क्या एक्सप्लेन किया गया है कि जो मदर्स डे है वो उसमें एक हमें सीन बताया गया कि एक प्ले है बेटा ये प्ले जनरली हमें पता है कि स्टेज पर परफॉर्म किए जाते हैं ओके okay, तो वैसा ही ये कि ये प्ले है सबसे पहले इसमें सीन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली अभी हमने बताया कि लिविंग रूम में चल रहा है पियर्सन फैमिली में उसके बाद है आफ्टरनून टाइम चल रहा है इट इज़ अ कम्फर्टेबली फर्निश्ड मच लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल सब अर्बिन सेमी डिटैच्ड विला ओके एक सेमी डिटैच्ड विला है और जो कि काफ़ी सुंदर और बढ़िया तरीके से हम कह सकते हैं कि डेकोरेटेड है कम्फर्टेबली फर्निश्ड और मच लिव्ड इन रूम है ओके इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज अगर ज़रूरी हो तो हम कह सकते हैं कि केवल एक ही डोर का यूज़ किया जा सकता है बट इट इज़ बेटर विद

कि ब्लूसलिन का मीनिंग क्या होता है जो मलमल के कपड़े होते हैं उससे ढकी हुई एक खिड़की वहाँ पर लग रही है एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू और एक पॉसिबली शायद लग रहा है कि एक राइट right वॉल में भी एक ऐसी ही विंडो है द फायर अब बताया गया है फायर के बारे में फायर प्लेस इज एज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल अगर हम बात करें फायर प्लेस कहाँ है तो एज्यूम किया जा सकता है कि वो फोर्थ वॉल में है एंड देयर इज अ सेटिंग अप राइट एक सेटी होता है ना जिसके ऊपर पिल्लो वगैरह लगाकर आराम से कंफर्टेबली बैठा जाता है एक देयर इज अ सेटी अप राइट एंड आर्म चेयर डाउन लेफ्ट और एक आर्म चेयर भी लगी हुई है डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड अ स्मॉल टेबल विद टू चेयर्स एक छोटी सी टेबल लगी हुई है विद टू चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर ओके okay, दो एक छोटी सी टेबल है जिसके दोनों साइड क्या रखी हुई है टू चेयर्स रखी हुई हैं और वो बीच में सेंटर में रखी गई है ओके okay, ये तो था बेटा सीन का डिस्क्रिप्शन व्हेन द कर्टेन राइजेस अब जैसे ही कर्टेन राइज होता है क्योंकि हमने कहा कि एक प्ले है ले जनरलिस्ट स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है जैसे ही कर्टन ऊपर की तरफ उठता है इट इज एन आफ्टरनून इन अर्ली ऑटम अर्ली ऑटम सीजन में बताया गया है आफ्टरनून का टाइम चल रहा है एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट और जो स्टेज है बहुत अच्छे से मींस उसके ऊपर लाइट की जा सकती है मिसेस पियर्सन एट राइट अब मिसेस पियर्सन जो इस फैमिली में क्या की जाती हैं इग्नोर की जाती हैं वो इस फैमिली में यहाँ पर सीन पर क्या दिखाई दे रही है मिसेस पियर्सन एट द राइट साइड एंड मिसेस फिट्स जो कि क्या है उनकी नेबर हैं एट राइट आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल वो दोनों ही स्मॉल टेबल पर एक छोटी सी टेबल के अपोजिट एक दूसरे के बैठी हुई हैं ऑन विच आर टी टू टी कप्स एंड सोसर्स एंड द कार्ड्स विद विच मिसिज फिट्स गेराल्ड हैज़ बिन टेलिंग मिसेस पियर्सन फॉर्च्यून ऑन विच उस टेबल पर क्या रखे गए हैं दो टी कप्स रखे हुए हैं सोसर्स उनकी प्लेट्स रखी हुई हैं एंड द कार्ड्स और वो कार्ड्स खे कार्ड्स भी लेकर बैठी हैं जिसके थ्रू वो मिसिज फिट्स गेराल्ड जो उनकी नेबर हैं वो क्या बता रही हैज़ बिन टेलिंग मिसिस पियर्सन फॉर्च्यून मिसिस पियर्सन का फॉर्च्यून बता रही हैं मिसिस पियरसन अब वो कैसी हैं शी इज अ प्लेजेंट लेडी ओके मिसिस पियर्सन क्योंकि बहुत इनोसेंट लेडी हैं प्लीजेंट लेडी हैं बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर फोर्टीज मतलब फोर्टी एज की लगती हैं बट फोर्टी छोटी सी एज में ही वो वरीड लुकिंग वुमेन लगती हैं वरीड लुकिंग मीन्स काफ़ी ज्यादा टेंस्ड लेडी लगती हैं मिसिज फिट्स केराल्ड हु इज ओल्डर ओके okay, बोन से काफ़ी बड़ी हैं हैंवियर कह सकते हैं एंड अ स्ट्रोंग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी सिनिस्टर मतलब एक डरावने तरीके की और अगर हम बात करें इन लुकिंग है ज़्यादा सुंदर दिखने में नहीं है शी इज स्मोकिंग और वो कर क्या रही है ओके सिनिस्टर पर्सनैलिटी के होते हुए शी इज स्मोकिंग उसको बिल्कुल प्रूव कर रही है अपनी पर्सनैलिटी को इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड voice अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट है कि दोनों की जो वॉइस है दोनों का जो बोलने का ढंग है वो कैसा है मीन्स आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अगेंस्ट है दोनों की वॉइस जो है कॉन्ट्रास्टिंग वॉइस है मिसिस पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन जो मिसिस पियर्सन है वो कैसी बात कर रही हैं क्योंकि हल्की सी और एक थोड़ी सी घबराई हुई जैसे बात करती हैं बिल्कुल वैसे ही हल्की सी सॉफ्ट सी वॉइस में वो बात कर रही हैं इन ए लाइट फ्लरिड सोर्ट ऑफ टोन विद अ टच ऑफ सब अर्बन कॉकनी पर हैप्स जैसे कि अगर हम बात करें सब बर्बन मैंने बताया एन एरिया आउटसाइड द सिटी जैसे कि लंदन के लहजे में बात की जाती है बिल्कुल वैसे ही वहाँ वो बात कर रही हैं एंड मिसिज़ फिट्स किराल्ड वो कैसे बात कर रही हैं विद अ डीप वॉइस रादर आयरिश पर हैप्स उनकी जो टोन है बोलने का तरीका है वो कैसा है शायद जैसे आयरिश लैंग्वेज में बात की जाती है बिल्कुल वैसे ही बात करने वाली लेडी वो लग रही हैं मीन्स दोनों की वॉइस में काफ़ी डिफरेंस है मिसिस पियर्सन वो लाइट वॉइस में बात कर रही हैं और जैसे कि लंदन में बात की जाती है बिल्कुल उस टोन में बात करी है बट मिसेस फिट्स के राल वो एक डीप वॉइस में और साथ में आयरिश जैसे टोन होती है वैसे बात कर रही हैं यहाँ पर बेटा ये सीन डिस्क्राइब किया गया था कि चैप्टर जो हमारा प्ले है मदर्स डे वो कहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हुआ कौन कौन से सीन उसमें दिखाए गए हैं और यहाँ आपको बताया गया है मिसेस फिट्स गेराल्ड और मिसेस पियर्सन वो दोनों क्या कर रही हैं दे आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल और फिर वो दोनों चाय भी ले रही हैं एंड साथ साथ जो ओपिस मिसेस फिट्स गेराल्ड है वो क्या कर रही हैं शी हैज़ बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन फॉर्च्यून उनका फॉर्च्यून उनको बता रही हैं नाउ हेयर द प्ले स्टार्ट्स अब यहाँ प्ले स्टार्ट्स होता है बेटा मिसेस फिट्स किरार्ड से मिसिस फिट्स किरार्ड वो कर क्या रही हैं कलेक्टिंग ऑफ द कार्ड्स वो क्योंकि अभी बताया हमने कि कार्ड्स खेल रही थी तो कलेक्टिंग ऑफ द कार्ड्स एंड दैट्स ओल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन वो मिसेस फिट्स गेराल्ड मिसेस पियर्सन को बताती हैं कि यही इतनी बातें हैं आई कैन टेल यू अबाउट यू कि मैं आपके बारे में जो बता सकती हूँ कुड बी अ गुड फॉर्च्यून कि आपका भाग्य बहुत अच्छा हो सकता है बहुत अच्छा हो सकता है कैसे कुड बी अ बैड वन ऑल्सो बट खराब भी हो सकता है ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ और वो किस पर डिपेंड करता है आप पर डिपेंड करता है मेकअप योर माइंड एंड इट इज़ कहते हैं कि आप अपना माइंड मेकअप कर लो एंड देर इट इज और वैसा ही हो जाएगा जैसा कि तुम चाहोगी ओके मिसेस पियर्सन अब वो क्या आंसर करती हैं और वो बताती हैं यस थैंक यू मिसेस फिट्स गिराल्ड ओके थैंक्स आई एम मच ओब्लाइज आई एम श्योर वो कहती है कि मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी आई एम श्योर इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर मिसिस पियर्सन अब मिसिस फिट्स गिराल को अप्रिशिएट करते हुए बोलती हैं कि तो बहुत वंडरफुल मोमेंट है कि मेरे घर के बिल्कुल नेक्स्ट डोर क्या मेरे घर के पास कौन रहती है एक रियल फॉर्च्यून टेलर रहती है जो बहुत अच्छे से भाग्य को बताती है डिड यू लर्न दैट आउट ईज टू कहती है उससे पूछती है कि तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा मतलब ये जो तुम फॉर्च्यून बता रही हो भाग्य बता रही हो वो तुमने कहाँ से सीखा तुमने क्या ये ईस्ट मीन्स बाहर कहीं पूर्वी डायरेक्शन में मीन्स ईस्ट डायरेक्शन में कहीं वहाँ पर ईस्टर्न कंट्रीज में जाकर सीखा है फिट्स ग्राल्ड येस आई डिड वो कहती हैं हाँ मैंने सीखा हुआ ये ट्वेल्व ईयर्स आई हैड ओ फिट कहती है मैंने इसको कंटिन्यू बारह सालों तक सीखा है विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लिटनेंट क्वार्टर मास्टर मैंने ओल्ड मैन अपने यहाँ हस्बैंड के बारे में बात करी है कहती कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए जब उनको लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर की जब उनकी प्रमोशन हुई थी तब मैंने वहाँ पर उनके साथ रहते हुए सीखा था ही लर्नट अलॉट उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा एंड आई लर्ंट अलॉट मोर और मैंने भी बहुत कुछ सीखा बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ मिसेज पियर्सन डियर अब अपनी फ्रेंड मिसेस पियर्सन को बताती हैं और कहती हैं विल यू मेक अप योर माइंड नाउ कि क्या आप अपना मेंटली मेंटल mental आप सेट करेंगी अपना मेंटली आप प्रिपेयर रहेंगी मिसेस पियर्सन डियर पुट योर फूड डाउन एंड वंस एंड ऑल फॉर ऑल एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बोस ऑफ योर ओन फैमिली अब अपनी फ्रेंड को मिसेस पियर्सन को समझाते हुए बोलती हैं कि आप अपने घर में बहुत ज़्यादा इग्नोर होती हैं तो आपको कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए और कहती हैं पुट योर फूड डाउन वंस एंड ओल्ड फॉर ओल्ड कहती है कि अपने घर में अपना एक थोड़ा सा स्ट्रोंग बिहेवियर दिखाओ एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस और अपने घर की मालकिन बनो एंड द बोस ऑफ योर ओन फैमिली मिसिस पियर्सन अब वो स्माइल करते हुए स्माइल अपोलोजेटिकली जैसे मतलब थोड़ा सा पोलाइट नेचर हमने पहले ही बताया और कहती वैसे ही स्माइल करते हुए दैट्स ईजियर सेट देन डन कहती है कि ये कहना तो आसान है करने की बजाय बिसाइड्स आई एम सो फाउंड ऑफ देम कहती है बिसाइड्स मतलब उसके अलावा तो मैं तो उनके लिए बहुत मतलब मैं उनकी बहुत केयर करती हूँ आई लव दैम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश इवन इफ मुझे पता है कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं दे हेयर स्टैंड फॉर द फैमिली मेंबर्स कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कैसे हैं थॉटलेस हैं सोचते नहीं हैं मेरे बारे में एंड सेल्फिश भी हैं दे डोंट मीन टू बी ओके okay, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहूँ येस yes, बेटा दिस इज इट वी टूडे हम इसको आगे कॉन्टिन्यू करेंगे आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन चाहे मदर्स डे का अच्छे से क्लियर हो गया होगा वी विल कॉन्टिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू